मुझे माफ कर देना प्रेम, तुमसे शादी करने का वादा किया था पर अब वो वादा तोड़ रही हूँ, किसी और से शादी करने को राजी हो रही हूँ, पर मैं भी क्या करूँ प्रेम, मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारी यादों के सहारे गुजार सकती थी, पर बाबूजी, भैया, डॉक्टर, इन सबका कहना है कि मुझे सुहागन के जोड़े में देखकर माँ जी की तबीयत शायद सुधर जाएगी, वो शायद रिएक्ट करने लगे। सच कहूँ तो मुझे भी इस बात पर यकीन नहीं था, किसी और को जीते जी अपना पति कैसे मान सकूंगी मैं। नहीं, इस मन में अब जिंदगी भर कोई और कभी नहीं आ सकेगा, तुम नहीं हो, पर तुम्हारी जगह तुम्हारा कर्तव्य मैं निभाऊंगी। अगर मेरी शादी कर लेने से माँ जी ठीक हो जाएंगी तो मैं शादी करूंगी। मैं ठीक कर रही हूं ना प्रेम, तुम भी यही चाहते हो ना, मुझे माफ कर दो प्रेम, आई एम सॉरी। मैंने गायत्री को कह तो दिया कि शायद विश्वजीत भी शादी के लिए राजी हो जाएगा, इससे गायत्री के दिल में एक उम्मीद भी जाग गई होगी। अगर विश्वजीत ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो गायत्री की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा और इस हालत में शायद वो इस धक्के को बर्दाश्त ना कर पाए। मैं कैसे विश्वजीत से शादी की बात करूं, उससे तो मानक का किस्सा भी छुपा नहीं है और वैसे भी इस वक्त वो आंचल की शादी के लिए परेशान है। जब तक आंचल शादी नहीं करेगी वो अपनी शादी के लिए कभी राजी नहीं होगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले मुझे आंचल के लिए लड़का ढूंढना होगा और फिर जब उसकी बात पक्की हो जाएगी तब मैं विश्वजीत से अर्चना की शादी की बात कर सकता हूं। लेकिन आंचल के लिए उसके योग्य लड़का भी तो मिलना चाहिए, कहां मिलेगा ऐसा लड़का। ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया, इतना अच्छा लड़का, मुझे विश्वजीत से बात करनी चाहिए। द बुक ऑफ नथिंग, जब टाइटल ही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर जो किताब के अंदर लिखा है वो कैसे समझ में आएगा। फिर भी समझना तो पड़ेगा ही। क्या पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ूंगी, पढ़ना तो पड़ेगा ही, गौरव को इम्प्रेस जो करना है। हाय, क्या पढ़ रही है? द बुक ऑफ नथिंग, जब कुछ है ही नहीं तो इतनी बड़ी किताब लिखने की जरूरत क्या थी? अरे अब तुम मुझे ऐसे क्या देख रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि तुम इस झमेले में कैसे पड़ गई। मुझे किसी से इस बारे में डिस्कशन करनी है लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना मुश्किल होगा। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, जैन की दुनिया के बारे में लिखा है इसमें। इस नाम की तो कार के बारे में पता है मुझे। मैं समझाती हूँ तुम्हें, इसमें टोटल 10 चैप्टर्स हैं। दीदी तुम फिलहाल मुझे पहले चैप्टर के बारे में बता दो प्लीज। दीदी प्लीज। अच्छा बाबा, पहला चैप्टर तो सबसे आसान है। सी, मैं बताती हूँ। क्या आसान है, क्या आसान है? हाँ, द ग्रेट वे। मुझे कुछ समझ में नहीं आता।
सच को जानना हो या पहचानना हो तो क्या करना चाहिए, ये लिखा है सर। अपने मन में किसी किस्म की पार्शियलिटी ना हो। हम एक बात को दूसरे बात से ज्यादा अहमियत दें या ना दें तो ये सही रास्ता होता है। हमारे मन में प्यार नहीं होना चाहिए या नफरत नहीं होनी चाहिए, तब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आता है। दरअसल हमें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये और कुछ नहीं मन की बीमारी होती है। और इस मन की बीमारी से जब हम बाहर निकल आते हैं तब हम सच के करीब पहुंच सकते हैं, समझी? दीदी तुम अभी अभी बाहर से आई हो ना? हाँ। तो तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं ये किताब पढ़ लेती हूँ। ठीक है। दीदी ने क्या बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मुझे समझाएगा कौन? लगता है रटना ही पड़ेगा। कहाँ पे थी? अरे बाबूजी, आप आइए आइए आइए। तुम कहीं बाहर जा रहे हो तो मैं बाद में आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कोई भी जरूरी काम नहीं था, बस स्टेशनरी की दुकान तक जा रहा था। आइए आइए, प्लीज आइए आइए। बैठिए बैठिए। क्या आंचल बेटी घर पर नहीं? नहीं, वो तो नहीं है। चलो अच्छा है। नहीं, मैं दरअसल तुम्ही से बात करना चाहता था। हाँ कहिए ना बाबूजी। विश्वजीत, मैं आंचल की शादी के बारे में बात करना चाहता था। जी, मेरे ख्याल में गायत्री को देखते हुए आंचल ने शादी के लिए हाँ करने का जो निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय है। हाँ वो तो है बाबूजी, लेकिन सिर्फ शादी के लिए तैयार हो जाने से अच्छा लड़का तो नहीं मिलने वाला है। और समाज और बिरादरी वाले आंचल के बारे में क्या कह रहे हैं ये तो आप जानते हैं। समाज को जाने दो, मैं और तुम, हम दोनों तो ये अच्छी तरह जानते हैं ना कि बहु बेटियां मनहूस नहीं होती। और फिर मैंने तो आंचल की शादी के लिए लड़का ढूंढने का भी वादा किया था। विश्वजीत, आज मैं वो वादा पूरा करने आया हूं। यानी आपने आंचल के लिए लड़का देख लिया? देख भी लिया और पसंद भी कर लिया। अरे वाह, तो कौन है वो, कैसा लड़का? अच्छा है। और परिवार कैसा है उसका? लड़का भी अच्छा है, परिवार भी अच्छा है। मेरा ख्याल है तुम्हें पसंद आएगा। अच्छा, लेकिन क्या उस लड़के को, उसके परिवार वालों को ये बात पता है कि आंचल और प्रेम की शादी कैसे होते होते रुक गई? तुम उसकी चिंता मत करो, उन्हें सब पता है। सच? मतलब वो लोग शादी के लिए तैयार हैं? हाँ। ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो लड़का कौन है? तुम उसे जानते हो, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानते हो। कौन कौन है बताइए ना। सुजीत, मेरा ख्याल है कि उससे अच्छा लड़का आंचल को इज्जत देने वाला, आंचल को खुश रखने वाला नहीं मिलेगा। बाबूजी, आप तो सस्पेंस बढ़ाए जा रहे हैं। आप बताइए ना, कौन है वो लड़का, उसका नाम क्या है? राहुल। आंचल और राहुल की शादी? बाबूजी, ये कैसे मुमकिन है? एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। क्यों, तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई?
नहीं नहीं वो बात नहीं है, लेकिन हम तो बेटा हमेशा से यही चाहते थे कि आंचल हमारे घर की बहू बने, और आज भी यही चाहते हैं। मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे राहुल भी दिया है, और आंचल अब हमारे घर की बहू बन सकती है। गायत्री भी ठीक हो जाएगी, बल्कि आंचल को बहू के रूप में देखकर और भी जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन राहुल और आंचल इस शादी के लिए राजी होंगे क्या? क्यों नहीं होंगे, हालात और माँ की तबीयत देखकर वो जरूर तैयार हो जाएंगे। लेकिन लेकिन क्या, ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। प्रेम के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां राहुल ने अपने सर पर ले ली हैं। प्रेम की तरह वो भी यही चाहता है कि पहले अर्चना की शादी हो, बाद में उसकी। अब बेटा तुम तो जानते हो ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। वही मानक और अर्चना वाला किस्सा, हम जानते हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था, लेकिन लोगों की जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती ना। बदनामी तो लड़की की ही होती है। मैं जानता हूं कि वक्त के साथ लोग भूल जाएंगे, लेकिन उसे टाइम तो लगेगा, और उसके बाद ही अर्चना की शादी के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा बाबूजी। देखिए अर्चना अच्छी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, और फिर आपकी बेटी है, कौन नहीं शादी करेगा उसे? तुम करोगे? मैं? बेटा तुम तो हकीकत जानते हो, और तुम्हीं ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। नहीं वो तो है, लेकिन हाँ अर्चना तुम्हें पसंद नहीं वो अलग बात है। अरे नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं है बाबूजी। देखो बेटा तुम अगर अर्चना से शादी कर लोगे तो राहुल के दिमाग से भी शादी की टेंशन खत्म हो जाएगी, वो आंचल से जल्दी शादी कर लेगा। देखो ये मत समझना मैं कोई जबरदस्ती कर रहा हूँ या ब्लैकमेल कर रहा हूँ तुम्हें, नहीं बेटा ऐसा मत समझना। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि आंचल की शादी भी हो जाए, गायत्री भी ठीक हो जाए, इसका यही एक रास्ता है। तुम सोच समझ कर मुझे जवाब देना, मैंने तो जो फैसला कर लिया है उसे जरूर पूरा करूंगा। अच्छा चलता हूं। अच्छा हुआ जो मेघा को उस किताब के बारे में मालूम था, वरना आई कुड अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट द बुक ऑफ नथिंग। आज गौरव आएगा तो डिस्कस करूंगी उससे, बहुत मेहनत की है रटने में। हाय हाय, क्या बात है, आजकल तुम रोज लेट आते हो। जी नहीं मैडम, आज आप वक्त से पहले आ गई हैं। इसे कहते हैं बेताबी। सो हाउ वाज योर डे? गुड। एक्चुअली पता ही नहीं चला कब सुबह से शाम हो गई। क्यों? अरे भाई तुम्हारी दी हुई किताब पढ़ रहा था। सच? पहला चैप्टर ही आपको अपनी एटीट्यूड और थिंकिंग के बारे में दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है। कितना अच्छा लगता है जब आप ये पढ़ते हैं कि मन में किसी तरह की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, ना ही प्यार की और ना ही नफरत की। अरे नहीं नहीं, मैं वो दूसरी किताब के बारे में बात कर रहा था जिसमें वॉल्ट डिज्नी के बारे में दिया हुआ है। सच, उनका डेडिकेशन, उनका पैशन सचमुच एक बड़ा आदमी बनने का मादा रखता है। पहले चैप्टर के तीसरे या चौथे पन्ने पर एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। हाँ हाँ सच, जब मैंने पढ़ा तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि ये बात कितनी सच है। मैंने हमेशा नोटिस जरूर किया था लेकिन कभी पिन पॉइंट नहीं कर सकी। आदमी जब प्यार करता है तो बिल्कुल किसी बच्चे जैसा हो जाता है। ये क्या कह रही है, वॉल्ट डिज्नी की किताब में तो ये नहीं लिखा है। उस दिन भगवान रजनीश की किताब पर डिस्कशन करना चाहता था,
पूरी तैयारी के साथ आई तो आज ये वॉल्ट डिज्नी को लेकर बैठ गया। क्या हुआ? नहीं, मुझे अचानक लगा कि सडनली हम दोनों कितने चुप हो गए ना, जैसे अपनी अपनी दुनिया में खो गए, या जैसे दो अजनबी एक टेबल पर बैठ गए हो। नहीं नहीं वो तो मैं ऐसी कुछ कोई बात नहीं, पहले कुछ ऑर्डर कर लेते हैं उसके बाद बातें करेंगे। वेटर, द यूजुअल मेनू। इतने दिनों के बाद मुझे लगा था कि माँ की तबीयत ठीक होती रहेगी, पर बेटा हमने तो पूरी कोशिश करके देख ली, पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है और कितनी परीक्षा लेगा वो हमारी। सबसे ज्यादा पूजा पाठ तुम्हारी माँ करती थी, फिर भी बाबूजी वो ये कुछ पैसे इन्हें रख लीजिए प्लीज प्लीज। बेटा तुम हमारी फिक्र मत करो, तुम पर तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी भी तो है, तुम बस इसी तरह आते जाते रहो, बड़ा हौसला बनता है। तो बैठो, मैं जरा दो मिनट गायत्री को देख कर आता हूं। भैया आप कब आए और यहां अकेले इस तरह क्यों बैठे? अकेले कहां, बाबूजी तो थे, अभी माँ को देखने गए जरा। अरे मैं तो बस काम कर रहा था, अगर मैं जानता था कि आप आ रहे हैं मैं तो जल्दी आ जाता। और कैसे चल रहा है काम? बिल्कुल ठीक। देखो मैं बाबूजी को तो समझा नहीं पाया, ये कुछ पैसे इन्हें रख लेना। अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? देखो बाबूजी तो नहीं मानेंगे पर तुम मुझसे छोटे हो, जिद नहीं करना, प्लीज रख लो इसे। नहीं भैया मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं, मेरी नौकरी लग चुकी है ना, और फिर डैड की पेंशन भी आती, मेरी नौकरी लगने के पहले मैं ये पैसे ले लेता, लेकिन अब हमें इन पैसों की जरूरत नहीं। अरे हम दोनों के पैसे हैं ना इस घर को चलाने के लिए, आपके घर में तो बस आप ही तो एक हैं जो पैसे कमाते, आप अपने पैसे रखिए बस यहां आते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। राहुल तुम्हें इस तरह से घर की जिम्मेदारियां उठाते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तुम्हें मुझे प्रेम की झलक नजर आ रही है, लेकिन मैं चलता हूं राहुल, तुम इसे रख लेना प्लीज, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.